बड़ी चीज क्या है कि अगर आप ये मांगते हो कि प्रभु मुझे पाप से छुटकारा दे, ये भी अच्छी चीज है। मैं स्वर्ग जाऊं, ये भी अच्छी चीज है। प्रभु मेरा तेरे साथ अच्छा रिश्ता रहे, ये भी अच्छी चीज है। हालेलुया। मैं बुराई छोड़ दूं, बुरे काम छोड़ दूं और मैं स्वर्गीय पिता की संतान ठहरूं, ये अच्छी चीजें हैं। ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि जब आपने मांगा, जब आपको पता अच्छी चीज है, तो इसे परमेश्वर देने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। वो सबसे परमेश्वर रेडी रहता है। हालेलुया। शर्म नहीं आती। क्यों? अगर आपने किसी ने कह दिया ना, चलो मैं ये कहता हूं नशा मांग लिया, तो उसे पता है कि ये परमेश्वर नहीं दे सकता, है ना। ये परमेश्वर, मैं किसी इंसान के सामने भी मांग नहीं सकता, है ना, परमेश्वर भी दे नहीं सकता, है ना। अंदर अंदर वो मांगा हुआ व्यर्थ है। जब कहता तुम अच्छी चीजें देते हो, सब मिले आज जो अच्छी हैं, आपके शरीर की चंगाई है, आपके लिए बच्चे की जरूरत है, आप बच्चों के रिश्ते के लिए जरूरत है, आप जॉब के लिए मांगते हैं, अपने लिए घर मांग रहे हैं, अपने लिए जो कोई अच्छी चीज मांग रहे हैं, वो सब मिलेंगे। क्योंकि यहाँ वचन में स्पष्ट क्लियर तौर पर लिखा हुआ है। पढ़ना बेटा, क्या लिखा है? 10 पढ़ना इसका। या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। कहता ऐसा कौन बाप है जब उसके बाप उसका बेटा मच्छी मांगे तो वो सांप दे दे, या रोटी मांगे तो पत्थर दे दे। क्या आपके बच्चे जब रोटी मांगते हैं आप पत्थर दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। मच्छी मांगे सांप हाथ में दे सकते हो? नहीं दे सकते, है ना। आपको पता है इससे मेरे बच्चे का नुकसान होगा। हालेलुया। जिस चीज का आपको पता है कि ये चीज अच्छी है, अब मेरे बच्चे के लिए सही है, तो वो आप देते हैं। स्वर्गीय पिता आपका पिता परमेश्वर, वो हमारा बाप है, वो जानता है ये चीजें आपके लिए अच्छी हैं, चंगाई आपके लिए अच्छी है, इसीलिए वो देने के लिए आया हुआ है। आमेन 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 आमेन। वो देना चाहता है। और ऊपर लिखा है 7 पढ़ना बेटा, 7 का 7 पढ़ना। एक चीज इसमें दोबारा से मैं बोलना चाहूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। बस मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पहले लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और फिर लिखा है जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। मिलेगा मेरे जो, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आपके शरीर को चंगाई ना मिले, आपको छुटकारा ना मिले, आपके बच्चे नशे से आजाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपने अपने बच्चे के लिए दुआ की है कि प्रभु मेरा बच्चा नशे से आजाद हो जाए, मेरा बच्चा बुराइयों से आजाद हो जाए, मेरा बच्चा बुरे काम से आजाद हो जाए, और कहता जो कोई मांगता है उसे मिलता है। आमेन आमेन। हालेलुया।